तो देखो जैसे कि हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, मैं यहाँ पहली बार आए हैं और इतना सुंदर ये मंदिर है और इतनी हाइट में है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम माय न्यू व्लॉग। और आज है महाशिवरात्रि का शुभ दिन और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपको ले जा रहा हूं महादेव और पार्वती माता के बहुत सुंदर मंदिर में, और वो आपके लिए सरप्राइज है कि कहाँ है, इसलिए वीडियो के एंड तक रहें और बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वो जो जर्नी है बहुत सुंदर है। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए मूवी ब्लॉक। मम्मी जी हमारी शाम के प्रसाद के लिए तरुण धो रही है, ये हमारे जंगल में होते हैं धाप लगे देखो, और ये शिवरात्रि में महादेव को चढ़ते हैं देखो, हमारी माता श्री इनको धो रही है। A few moments later. तो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली ठंडी के दिनों के बाद आज 1 मार्च के दिन महाशिवरात्रि के शुभ पर्व में ठंडे पानी से नहा दिया है, और आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा हमारा क्योंकि मुझे पूजा करनी है घर में और फिर इसके बाद ही हम जा पाएंगे। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. 2 hours later. दोस्तों मैं हो गया एकदम तैयार नहा धो के, आज उपवास का दिन है मेरा भी और जस्सी भाई का भी उपवास है, और आगे हमें अमन भाई मिलेगा और हम चल रहे हैं महादेव के टेंपल। और एक टेंपल नहीं, हम काफ़ी सारे टेंपल घूमेंगे। हम पहुंचे हैं काला डुंगी का हनुमान जी के टेंपल में और हम अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और अब जा रहे हैं हम शिव जी के टेंपल में काला डुंगी वाले में। आ गए हैं कालाडुंगी के महादेव जी के मंदिर में, और ये कालाडुंगी का शिव मंदिर बड़ा है तो अंदर दर्शन कर रहे हैं हम फ्रेंड। और ये भूपेश जी हमारे यहाँ पे भगवान को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। मैं हूँ कालाडुंगी शिव मंदिर में, और देखो यहाँ श्रद्धालु जनों की कितने भीड़ हो रही है महाशिवरात्रि के पावन पर्व में। यहाँ पर काफ़ी अच्छा बड़ा, देखो कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे, देखो कितना ज़्यादा प्यारा, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देखो शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा। महादेव जी का टीका लगा दिया देखो, त्रिपुंड, और मैं बहुत कूल लग रहा है, बिल्कुल शांति लग रही है पूरे सर में, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने नवरत्न का तेल लगा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बने हैं बिल्कुल, बहुत आनंद आ रहा है महाशिवरात्रि के शुभ दिन में, बहुत ज़्यादा बिल्कुल आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर दिया कालाडुंगी महादेव के मंदिर में, और अब हम जा रहे हैं दूसरे मंदिर में, और आप मेरे साथ बने रहो। अभी हम पहुँचे हैं कोटाबाद के जंगल में, घनियाली देवी माता का मंदिर है, देखो कितना सुंदर है, हम घंटा लगा लेते हैं और देखो पीछे बैकग्राउंड हमारा, कितना भव्य मंदिर है ये, बहुत पुराना है, पुराना बहुत पुराना शक्तिपीठ है ये। देवी जी के दर्शन हो गए हैं यहाँ पे, महादेव का मंदिर है यहाँ पे बहुत पुराना, और अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट मंदिर पे, तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। कावर जा रहा है देखो महाशिवरात्रि का, भैया ले जा रहे हैं हमारे। A few moments later. भैया हम पहुँच गए हैं छोई रामनगर में, सबसे बड़ा मंदिर है महादेव का यहाँ का, और इतनी ज्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे देखो, राम राम, ये देखो महादेव के
और मैं हम काफी मंदिर गए महादेव के और अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ हो रही है इस मंदिर में छोई रामनगर में है ये। क्या नाम है आपका? जोधपुर आप आवल आए होंगे। बहुत पुराना मंदिर है, 51 साल। अच्छा, 51 साल पुराना मंदिर मेला लगता है, हर साल यहाँ मेला लगता है। तो यहाँ तो मेरे हिसाब से अपने भव्य मंदिर नहीं है, महादेव का भव्य मंदिर नहीं है, तो काफ़ी भीड़ होती है। ये इस मंदिर का नाम है माता बाल सुंदरी। अच्छा, माता बाल सुंदरी मंदिर है और गुल्लर चित्ती से, तो गुल्लर चित्ती से बोलते हैं। तो भैया हम बाल सुंदरी मंदिर आए हैं यहाँ पे। हाँ, महादेव का भव्य यहाँ मेला लगा हुआ है और यहाँ पे ही गुल्लर चित्ती है। देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, देखो चारों तरफ देखो, और दालों की भीड़ देख रहे हैं आप। भैया पूरा मेला लगा है, अब भी बजे हैं 4 शाम के और अभी भी भीड़ कम नहीं हो रही है। भैया देखो यहाँ पे महादेव के मंदिर, देखो ये रस्ता गया है, गुल्लर चित्ती का रस्ता गया है, देखो पीछे। अब यहाँ भी अभी दर्शन कराएंगे आपको, आप हमारे पास बने रहिए। बाल माता बाल सुंदरी का मंदिर और यह है गुल्लर चित्ती का मंदिर, और आपको मैं ले जाऊंगा गुल्लर चित्ती मार्ग में अंदर दर्शन कराने। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless thoughts are feeling. ये बाबा जी की डोली ये लगी पड़ी है, देखो। हर हर महादेव, हर महादेव, शंभो शिव शंकर, शंभो तान कृपा की तंबू। महादेव दोस्तों कैसे हैं आप सब? एकदम मजा आ रहा है, महादेव की छत छाया बिल्कुल बरकरार है। चलो मिले, देखो रास्ते में हर्षित भैया। कहाँ से हैं आप? हम रामनगर से हैं, टांडा से। महादेव की कृपा सही बरस रही है, बरस रही तभी तो आए हैं वहाँ ऊपर से स्पीड से आया। और एक चीज और लगी, बताइए, थोड़े से गए थे लेकिन मजा जो आ गया वो अलग ही था। अच्छा, तो ये क्षेत्र का मेरे हिसाब से महादेव का सबसे बड़ा मंदिर लग रहा है मुझे यहाँ। हाँ ये है, वैसे ये बहुत पुराना है, इसमें बहुत आप जानेंगे इनके बारे में, तो बहुत कुछ इसके बारे में है। अच्छा, इसका बहुत पुराना इतिहास रह चुका है। तो भैया बहुत खुशी मिल रही है हमें, अभी हम दर्शन कर लेंगे तो और खुशी मिलेगी हमें भी और आपको भी। तो भैया से मिलकर हमें बहुत खुशी मिली। इंद्र भाई को पूरा सपोर्ट करो और हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट है, और जो भी आप हो ठीक है, वेलकम। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxieties. जैसे कह रहे हैं आ गया वैसी और चढ़ाई खड़ी हो जा रही है, पता नहीं है माया है क्या है बरामद। हम पहुंच गए शिव मंदिर के द्वार पे, पीछे हमारे मंदिर है देखो, और भोले बैठे हैं देखो हमारे सामने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बिल्कुल कृपा बरस रही, नहीं बरस रही है भैया, हर जगह कृपा ही बरस रही है। दोस्तों जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, हमको और आपको, वो गुल्लर चित्त का मंदिर, वो महादेव का महान मंदिर, हम पहुंच चुके हैं फाइनली चढ़ाई पार करके। तो देखो जैसे कि हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, मैं यहाँ पहली बार आए हैं और इतना सुंदर ये मंदिर है और इतनी हाइट में है, क्या बताएं आपको। अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा। दोस्तों देखो कितनी हाइट में है ये मंदिर, कितनी ज्यादा भीड़ आ रही है, किस तरीके से आ रही है। अब हमारे भूपेश जी यहाँ पे हवन कुंड की ओर जा रहे हैं। हमने कर दिया यहाँ का दर्शन और हमें यहाँ बहुत मजा, आपने देखा ही होगा कितना सुंदर मंदिर है और कितना बड़ा है। तो अभी भी श्रद्धालु जा रहे हैं, देखो बड़ी बात, देखो भैया मजा आ रहा है। अरे महादेव जी का मतलब वर्णित सिंह जी यहाँ दर्शन करने आया, महादेव की असीम कृपा है और दर्शन करने जा रहे हैं, मिलते हैं इनसे। ओके,
देखो इतनी भीड़ आ रही है, देखो हमारे सुरक्षाकर्मी लोग, देखो सभी लोग आ रहे हैं, देखो और कितनी ज्यादा भीड़ है, देखो कितना बड़ा मेला लगा हुआ है, देखो यहाँ देखो। हम आ गए गुल्जार सीट का दर्शन करके और आ गए दोस्तों, 5 बज गए और भीड़ अभी भी बाकी है, दिखाता हूँ। अरे चित्रकर वाले बोलना बोले श्री रुद्राभिषेक एवं यज्ञ मेला लगा है उधर, आप सब लोगों को told you what to chase, told you how to run. अमन जी हमारे भी रहे भांगोटा, अमन जी नहीं जस्सी भाई भी रहे भांगोटा। ये देखो आज भैया भोले की इस दिन में इन्होंने भांगोटा भी दिया है भैया, मैंने पी लिया भांगोटा, देखते हैं इनका असर कितने देर में होता है। तो भाई ने पिया, जस्सी भाई ने पिया है, तो देखते हैं कितने देर में असर होता है। महादेव के मंदिर में आए और हमें बहुत सुकून मिला और आज दिन भर का हमारा सबसे बड़ा भव्य मंदिर और सबसे ज्यादा जहाँ श्रद्धालु थे वो ये मंदिर था और हमें यहाँ से बहुत सुकून मिला है और भगवान की कृपा हम पे भी है और आप सब लोगों पे बनी रहे जो कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate